धर्म धुरंधर पुनीत ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी धर्म धुरंधर पुनीत ज्ञानी धर्म धुरंधर पुनीत ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी। इस चौपाई में दशरथ जी का परिचय कराया गया। दशरथ जी कैसे हैं? धर्म धुरंधर। धर्म धुरंधर का अर्थ क्या हो सकता है? धर्म धुरंधर माने धर्म धुर धर। धर्म माने धर्म और धुर माने धुरी, जुआ जो बैलों कंधे पर होता, धुर धुर। और धर्म माने धरने वाला। धर्म की धुरी को कंधे पर धरने वाले का नाम होता धर्म धुरंधर। खाली चंदन लगाता हो और खाली माला पहनता हो और घंटी लाता हो, नहीं, धर्म की धुरी को कंधे पर धरे हो उसको बोलते हैं धर्म धुरंधर। धर्म धुरंधर। और आप सब जानते हो जो धर्म की धुरी को धरता है उसका कंधा छिल जाता है। कभी बैल को देखो, धर्म इसका नाम नहीं है कि माला पहन लो चार छेटो और धर्मात्मा हो गए। माला पहनना धर्म नहीं होता है, धर्म की धुरी को धरना पड़ता है कंधे पर, तब राम मिलते हैं। और धुरी धरोगे तो कंधा छिलता है उसमें, वो तो धर के देखो कहीं दो दिन तो मालूम पड़ेगा। बैलों का गला देखो कैसा होता है, बेचारे धरते हैं पूरा छिल जाता है, सब फाले फफोले पड़ जाते हैं, फूट जाते हैं, और फिर आखिरकार वो चमड़ी सब कड़ी कड़ी हो जाती है, कंधा पड़ जाता है पूरा धुरी धरने वाले का। धर्म माला का नाम नहीं है, धर्म सुख का नाम नहीं, धर्म आराम का नाम नहीं, धर्म तो कष्ट की लाइन है। अगर कोई पूछे धर्म का फल क्या होता है, क्या बताएंगे आप? धर्म का फल क्या है? तो हमसे कोई पूछे बताऊंगा, धर्म का फल है दुख। धर्म का फल है दुख, कष्ट। बिल्कुल खुली सी बात है, जिसको धर्म के आंगन में पांव धरना हो वो डायरी नोट करे पहले कि हमको इस आंगन में पांव धरते ही कष्ट मिलने वाला है, कष्ट ही कष्ट। ये जिसकी हिम्मत हो सामना करने की, कंधा पूरा छिल जाता है, छिल जाता है। धर्म माला का नाम नहीं होता है, धर्म धुरी का नाम होता है। और धुरी धरोगे तो छिल जाओगे पूरी तरीके से पहले। रामायण में पढ़िए, जिन्होंने धर्म को धारण किया है वो कितना कष्ट पाए हैं पहले। सीवी दधीच हरिचंद नरेशु, सीवी दधीच हरिचंद नरेशु, सहे धर्म हित कोटि कलेशु, सहे धर्म हित कोटि कलेशु। ये धर्म का फल लिखा है रामायण। धर्म का फल माला नहीं, धर्म का फल तो कलेश होता है, कलेश। और दो चार कोट कलेश हो, कोट कलेश हो, ये जिसकी हिम्मत हो वो इस आंगन में पांव धरेंगे। कई लोग कहेंगे महाराज ये बोलोगे तो लोग धर्म ही छोड़ देंगे करना। अब धर्म का फल अगर कष्ट है तो धर्म कोई कृपा नहीं करेगा। लेकिन ध्यान देना मित्रों, धर्म का फल तो दुख है, लेकिन इस दुख पर संसार के हजारों सुख न्यौछावर हो सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं। हजारों हजार सुख संसारी, संसार के जिनको सुख आप मानते हो, धर्म के क्लेश के चरणों में ये हजारों सुख न्यौछावर। अच्छा बताओ, जब कबूतर को शिवी ने बचाने के लिए अपनी जांग का मांस दिया होगा, है ना, तो जांग का मांस काट के दिया होगा, कबूतर को बचाया होगा, तो मांस देने थोड़ा दर्द हुआ होगा, लेकिन कबूतर को बचाने का जो सुख मिला होगा उनको, जो आनंद मिला होगा, उसका क्या वो दुख कुछ है? कुछ नहीं प्यारे, कुछ नहीं। हरिश्चंद ने अपनी बीवी को बेचा होगा, काशी में बेटा बेचा होगा, और बेच के सत्य की रक्षा की होगी, कष्ट तो हुआ होगा, लेकिन उस कष्ट के बाद जो सुख मिला होगा कितना बड़ा सुख। जैसे ये माताएं बहनें होती हैं, जब वो छिदाती है नाक शुरू शुरू में, नाक कान, तो कष्ट होता है? नहीं होता, नहीं होता, होता है ना। और बाद में जब पति देव लाते हैं हीरे का टॉप्स, तब तब कितना मजा आता है। अच्छा न छिदाई होती तो कहें पहनती, कहें पहनती। तो धर्म में कुछ क्लेश तो हैं, लेकिन उन क्लेशों के बाद जो आनंद आता है
और क्लेशों में ही आनंद आता है प्यारे। धर्म का फल है त्याग, और त्याग में इतनी शांति मिलती है प्यारे, इतनी मतलब मजा आता है। उस दुख के आगे हजारों सुख निसार हो सकते हैं। तो धर्म धुरंधर महाराज जी हैं, तीन तीन रानियां हैं। एक बात और मैं कह दूं, लास्ट सूत्र इस कथा का, मतलब राम को पाने के पहले, जिसके तीन रानियां होंगी वही राम को पाएगा। राम को पाना है, राम माने आनंद सुख शांति, तीन शादी करो पट से, एक से काम नहीं चलने वाला। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, तीन शादी करना पड़ेगा तब राम जी मिलेंगे। ये मजाक नहीं, मैं खाली हंस के बोल रहा हूं, बाकी मजाक नहीं। तीन रानियां जिसके होती हैं उसी के यहां राम जी आते हैं। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी रानियों के नाम नहीं है, ये तीन तत्व हैं। मानस वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या उपासनात्मक, सुमित्रा को उपासना माना गया है, और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। वाल्मीकि जी कहते हैं ज्ञान कौशल्या है, क्रिया कैकेयी है, और भक्ति उपासना सुमित्रा है। तो जिसके जीवन में कौशल्या मीन्स ज्ञान, सुमित्रा माने भक्ति, और कैकेयी माने कर्म, इन तीनों धाराओं का जिसके संगम हुआ है जिसके जीवन में, जो ज्ञानवान भी है, जो भक्तिवान भी है, और जो कर्म भी करता है, कर्म छोड़ के भक्ति करे उसके यहां विराम नहीं आएंगे, जो खाली कर्म करता है उसके विराम नहीं आएंगे। जिसके ज्ञान भी है, भक्ति भी है, और कर्म भी है, यही है तीन रानियां। जिसका जीवन इन तीन धाराओं का संगम है, ज्ञान भक्ति और कर्म का, उसके राम जी आते हैं। ऐसे महाराज जी का जीवन चल रहा है, चौथापन आ गया, संतान नहीं हुए, राम जी नहीं मिले। और दशरथ जी को राम की फिक्र भी नहीं थी, कोई चक्रवर्ती सम्राट हैं, तीन तीन रानियां हैं, चकाचक सब कुछ है, कोई चिंता थी नहीं, राम नहीं है तो नहीं सही। देखो, राम को पाने की पहली शर्त लिखी है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेद का मंत्र है। अथातो माने राम को पाने की शुरुआत यहीं से होती है कि ब्रह्म जिज्ञासा, पहले ब्रह्म को पाने की इच्छा तो करो। मस्ती में मस्त राम, मस्ती में आग लगे बस्ती में, राम मिले चाहे न मिले तो फिर कैसे मिलेंगे राम। पहली शर्त है कि पहले राम को पाने की इच्छा करो। दशरथ जी को इच्छा नहीं थी राम की, बढ़िया चकाचक माल काटते थे, काजू खाते थे, तीन तीन रानियां थी, राजमहल था, राजगद्दी थी, कोई चिंता थी नहीं। यही हाल तो हमारा आपका भी है, यही हाल तो, तीन चार मकान है, खूब पैसा है, बीवी है, बच्चा है, पोता है, पोती है, राम हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए राम नहीं मिल पा रहे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, शुरुआती कदम है भगवान को पाने का, पहले भगवान की इच्छा करो। एक बड़ी कीमती शहर है साहब, बहुत बढ़िया शहर, इस शहर को ध्यान देकर सुनिएगा। एक शहर कहता है, हमको ये आरजू है कि वो नकाब उठाए खुद, नहीं समझे, नहीं समझे, उर्दू का शब्द, हमको ये आरजू है कि वो नकाब उठाए खुद, और उसको ये इंतजार है कि तकाजा करे कोई। तकाजा माने इच्छा, इच्छा, हम चाहते हैं कि पर्दा उठा दे वो सामने आ जाए, नकाब माने पर्दा, हमें यही चाहते, वो पर्दा उठा दे और सामने हमारे प्रकट हो जाए, लेकिन उसका इंतजार है कि कोई इच्छा तो करे पहले कि सामने आओ हमारे, इच्छा ही नहीं बाबू। पैसा आए, प्लाट आए, नौकरी आए, पोता आए, बहुरी आए, इसकी तो इच्छा है, भगवान आए इसकी इच्छा कहां कहां, बहू आए, पोता आए, हमसे लोग मिलने आते, महाराज आशीर्वाद दो, अब बहुरिया आ जाए, हा? कोई आज तक नहीं मिलने आया कि महाराज आशीर्वाद दो कि अब राम जी आओ जीवन में, आया मेरे पास आज तक, महाराज आशीर्वाद दो नौकरी आ जाए, पोता आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, राम जी आ जाए, कोई आता है मेरे पास आज तक। हमको ये आरजू है कि वो नकाब उठाए खुद, लेकिन उसको ये इंतजार है कि कोई तकाजा तो करे पहले, कोई ब्रह्म जिज्ञासा तो करे कि राम जी मुझे मिलो। अखियां हर दर्शन की प्यासी, अखियां गड्डी की प्यासी है कि हरी की प्यासी कहां है, गड्डी की प्यासी है, महात्मा गांधी छाप लाल लाल नोट चकाचक गिनो, उसकी प्यासी अखियां हैं तो राम जी कैसे मिलेंगे। इच्छा ही नहीं पैदा हो रही है भगवान को पाने की। दशरथ जी को भी इच्छा नहीं हो रही थी, सब कुछ चकाचक था, सुख में करे न कोई, सुख चारों ओर से था तो कौन राम को तलाश करे। तो वशिष्ठ को चिंता हुई, गुरु है उसके दशरथ के, वशिष्ठ की चिंता हुई, मैं गुरु हूं और गुरु का धर्म होता है राम से मिलाए,
गोविंद दियो मिलाए, और ये तो अभी इच्छा नहीं कर रहा है। तो वशिष्ठ ने दशरथ जी की इच्छा पैदा हो राम को पाने की, इसके लिए एक उपाय किया। क्या उपाय किया? उनकी पत्नी थी वशिष्ठ महाराज की, क्या नाम था? अरुंधति। उसको एक स्क्रिप्ट लिख के दिया, ऐसे ऐसे करना है, तो महाराज जी को इच्छा होगी। वशिष्ठ का एक बेटा था 3-4 साल का, 2-3 साल का, वामदेव, उसको गोदी में लिया माता अरुंधति ने, और दशरथ जी के आंगन में आई। महाराज दरबार में थे, सब पूरी कहानी सेट थी पहले से, ऐसे ऐसे करना है। वो दरबार में थे, दरबार का समय था 10 से 5, तो 4:30 बजे माता जी पहुंच गई लेके वामदेव जी को, बेटे को गोदी में, आंगन में बैठी। तीनों माताओं ने स्वागत किया वशिष्ठ की पत्नी का, गुरु माता है, पांव धोए, चाय वाय बनाई। दशरथ जी के आने का टाइम जब हुआ, माता रुंधि रेडी थी, सब पूरी कहानी लेके आई थी, तैयारी पूरी थी उसकी। ज्यों दशरथ जी दरबार से घर आए, आंगन में आए, तो साड़ी के अंदर से गोदी में लड़का था वामदेव, उसकी चिकोटी काटा आड़ से, और चिकोटी काटी कस के, तो कल लड़का रोया, 2 साल का बच्चा, कस के रोया चिल्ला करके। दशरथ जी को चिंता हुई कि अभी तक खामोश था, मेरे आते ही रो पड़ा, गुरु का बेटा क्यों रोया, माता जी क्यों रोया? कह रहे महाराज इसकी आज गजब की डिमांड है, ऐसी चीज मांग रहा है कि मैं इसको दे ही नहीं सकती हूँ। कह रहे माता जी जिसके जिसका इतना चेला हो चक्रवर्ती सम्राट, और उसके गुरु के लड़के को कुछ चाहिए, आप बताओ नाम तो लो चीज का। कहीं नहीं तुम्हारे पास है ही नहीं हो। अरे मैं नहीं है तो मैं मंगा दूंगा, मैं ला दूंगा उसको, चाहे जहां मिलेगी बंगलोर तक ले आऊंगा, हवाई जहाज जाऊंगा। अरे तुम बोलो तो, गुरु जितना इतना कीमती चेला हो सम्राट, और उसके गुरु के बेटे को कुछ चाहिए, रो रहा है, नाम लीजिए चीज का। तो गुरु मां ने कहा बेटा दशरथ ये रो रहा है कि दशरथ जी तो बुढ़े हो गए, यजमान बुढ़ा हो गया, और गुरु जी बुढ़े हैं, वशिष्ठ महाराज दोनों किनारे के वृक्ष हैं, आज गिरे कल गिरे। अब प्रॉब्लम यह है कि दशरथ जी की पूजा करा के हमारे पिताजी का जीवन तो पास हो गया, यजमान बढ़िया पा गए दशरथ जी के ऐसा, तो इनका जीवन तो पार हो गया पिताजी का, लेकिन हम किसको किसके गुरु बनेंगे? अब ये रो रहा है कि हम किसको दीक्षा देंगे, हम किसकी पंडिताई करेंगे, दशरथ जी के आगे तो कोई है नहीं है, इनका तो यहीं पर मामला ब्रेक है, ये पापा का जीवन तो बीत गया, लेकिन हम किसके घर जाएंगे, हमारे यजमान कौन बनेगा? अब बताओ इसकी इच्छा कैसे पूरी कर पाएंगे, तुम्हारे आगे को तो कोई है नहीं। दशरथ जी को भी क्लान हो गई कि माता जी सही कहा आपने, गुरु जी भी बुढ़े हैं, मैं भी बुढ़ा, पता नहीं किस दिन क्या हो जाए, लेकिन हमारे गुरु जी के बच्चों का अब क्या होगा, ये किसके यहां जाएंगे? बस दशरथ जी को वहीं पर ग्लानि हो गई अंदर से कि भगवान तूने मुझे सब कुछ दिया है, एक चीज कहने दिया है, एक संतान कहने दिया। महाराज जी रोते भागे गुरु जी के यहां, कहीं और नहीं गए, गुरु के घर गए। ये भी एक सूत्र है कि राम को पाना है तो गुरु के घर जाना पड़ेगा। राम को पाने का रास्ता जो मिलता है वो गुरु के आंगन से मिलता है, गुरु के द्वारे से निकलता है। तो गुरु के द्वार नहीं जाओगे तब तक राम को पाने की उम्मीद मत करना। राम जी से मिलने का, राम जी को पाने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। राम माने आराम, राम माने सुख। अगर पाना चाहते हो तो कबीरदास जी ने कहा है कुछ और न करो, बस गुरु के चरणों लिपट रहना। गुरु के चरणों लिपट रहो तो फिर कुछ लेना न देना, मगन रहना, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, राम को पाना चाहते हो, गुरु ग्रह गयो, सीधे गुरु के धाम में जाओ। जो बात दवा से हो न सकी, एक बड़ी प्यारी शहर है साहब सुनेगा, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, और जो सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। गुरु मिल जाए सच्चा तब खुदा की प्राप्ति होती है, गुरु मिलना। इसलिए महाराज जी कहीं और नहीं, गुरु ग्रह गए, सीधे गुरु के घर पहुंचे, और जाके अपना पूरा विषाद उनके आगे रखा।
और गुरु के द्वारे की एक और खास बात होती है, विषाद लेके जाओ और गुरु के यहां से प्रसाद लेके लौटो। गुरु माने यही होता है आपके।